So hello guys, welcome back to my channel and happy Republic Day to all. So आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि स्पेशली मैं बना रहा हूँ जिनके पास भी स्कॉर्पियो एन गाड़ी है स्कॉर्पियो एन गाड़ी है और XUV 700 है और स्पेशली मैनुअल वेरिएंट है जिनके पास में. तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कोई महीने डेढ़ महीने पहले मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया उसका. बट हुआ क्या था कि ट्रैफिक के अंदर XUV 700 डीजल गाड़ी है मेरी, मैनुअल AX5 है. तो हम ट्रैफिक में जा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ है कि काफ़ी ट्रैफिक में रहने के बाद में उसका जो क्लच पैडल है गाड़ी का मेरी, वो हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद में छोड़ा तो वो आधा ही बाहर आ रहा था और उसे फिर वापस खींचना पड़ रहा था हाथों से या फिर पैर से खींच करके वापस लेना पड़ रहा था. तो एक ये उस दिन ये इंसिडेंट हुआ, उससे पहले भी एक दो बार हुआ था बट उसे वापस खींचा हमने और चालू कर दिया क्योंकि वो रास्ते में था तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम आ गए. तो ये जिस दिन हम ट्रैफिक में थे उस दिन ये बहुत ज़्यादा हुआ और वो इतने ज़्यादा हुआ कि गाड़ी में से मेरे को महक आने लगी, जबकि शीशे बनते हैं उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा महक थी, जैसे कुछ जल रहा है. और उसके बाद में जब मैंने थोड़ा सा और देखा उतर के तो उसमें धुआं सा भी दिख रहा था मुझे. तो मैंने इंस्टेंटली घर पहुँचाऊँ, घर पहुँचने के बाद मैंने बल्कि मैंने रास्ते से ही फ़ोन किया, वहाँ पर सर्विस मैनेजर है नितीश करके, उनको उन्होंने बोला कि आप सर्विस सेंटर पर लेके आ जाइए गाड़ी. तो मैं घर पहुंचने के बाद में नेक्स्ट डे उसे सर्विस सेंटर पे लेके गया. तो सर्विस सेंटर पे लेके जाने पे भी वो गाड़ी में से महक आ रही थी, जबकि मेरे सर्विस सेंटर जो है मेरे घर से कोई 2 किलोमीटर भी नहीं होगा, अगर मैक्सिमम बोलूँ तो 2 किलोमीटर आप मान के चले 2 किलोमीटर होगा. और उतने बीच में चलने पे उसमें दोबारा से महक आ गई थी जलने की कुछ. तो हमने वो चेकअप वगैरह कराया वहाँ पर. उसके बाद में चेकअप कराने के बाद में वहाँ पर मुझे अटेंड किया गया और गाड़ी मुझे छोड़नी पड़ी थी. छोड़ने के बाद में मुझे सर्विस एडवाइज़र ने बोला कि आपकी गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर होता है वो लीक है, मास्टर स्लेव सिलेंडर लुब्रिकेशन देता है, छोड़ता है, अगर वो लुब्रिकेट नहीं करेगा तो जो हमारी क्लच है, क्लच पैडल है, वो ठीक से काम नहीं करेगा. क्लच पैडल का काम ही होता है कि वो जो हमारी क्लच प्लेट्स है उनको एंगेज करे और रिलीज करे. अब वो जब हम प्रेस करें तो एंगेज तो कर रहा है वो, मगर जो हम पैडल को छोड़ रहे हैं तो उसको रिलीज करना चाहिए. बट हो क्या रहा है कि जैसे हम पैडल को छोड़ रहे हैं तो वो हाफ में ही रुक जा रहा है, तो आधा ही वो क्लच को छोड़ रहा है, जिसकी वजह से वो अभी भी एंगेज, आधी क्लच एंगेज है उसके अंदर, और जिसकी वजह से रेगुलर एंगेज होने पर वो आधा एंगेज होने पर वो उसमें बर्निंग जैसी चीज़ें हो रही है. तो उस टाइम पर उन्होंने मुझे सिलेंडर, जो मास्टर स्लेव सिलेंडर था, उसे चेंज कर दिया. लुब्रिकेशन नहीं होने की वजह से उसमें लीकेज हो रही थी ऑयल की. तो वो करने के बाद में मैं गाड़ी लेके आ गया, वो वारंटी में मेरा चेंज हो गया. अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि जैसे वो चेंज हुआ है उसके बाद से मुझे ना जो क्योंकि मैं लॉन्ग ड्राइव पे कहीं नहीं गया, क्योंकि उसके अंदर क्या रहा था कि जैसे मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ बैडल को, एक तो वो टाइट हो रहा था बहुत ज़्यादा, और प्रेस करने के बाद भी उसमें एक जैसे मैं प्रेस कर रहा था एक कट कट की साउंड आ रही थी, जो मैंने दोबारा से उनको नितीश को या फिर हाँ नितीश को ही मैंने बोला था. तो उनको मैंने बोला था, उन्होंने बोला कि सर ठीक है आप एक बार फिर लेके आ जाइए. तो मैं कोई 15-20 दिन में जा नहीं पाया, लेकिन गाड़ी मैंने बहुत ज़्यादा चलाई नहीं. तो अब गाड़ी नहीं कहीं जाना था, जैसे भीमताल जाना था, तो मैंने सोचा कि एक बार इसको चेक कर रहे थे, क्योंकि हम पहाड़ों पर जा रहे हैं तो फिर क्लच का इशू हो सकता है कुछ, और वो टाइट भी काफ़ी लग रहा था मुझे, तो मुझे डाउट था उसमें कहीं कुछ इशू ना हो. तो हमने गाड़ी भेजी. तो अब गाड़ी भेजने के बाद में 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि भाई आपका तो ये क्लच सेट है जो वो बर्न हो गया, और जो ये बर्निंग इशू है वो हमारी वारंटी में कवर नहीं होता है. तो
मैंने उनको जो भी सर्विस में जिनका भी मेरे को कॉल आया था, उनका नाम था शायद हर्ष चौहान, यूनाइटेड महिंद्रा के अंदर मैं गाड़ी सर्विस कराता हूँ अपनी, तो वहाँ से उनका कॉल आया था और मुझे उन्होंने बताया कि ये वारंटी में नहीं आता है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई अब जो ये इशू हुआ है वो हुआ है सिलेंडर की लीकेज की वजह से, और उस टाइम पर भी ये बर्न हो गया था। ये बताने के बाद भी उन्होंने बोला कि ठीक है हमको आप दो दिन का टाइम और दो, हम चेक करते हैं, और चेक करने के बाद भी उन्होंने कोई कॉल बैक नहीं किया। दो दिन बाद मैं ही कॉल बैक कर रहा हूँ तो मेरे को जवाब आता है कि सर हमने तो आपको बता दिया था आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा और क्लच आपकी चेंज हो जाएगी। मेरी ड्राइविंग ऐसी है कि जनरली गाड़ी के अंदर जो एक्सयूवी गाड़ी है इसके अंदर आपका जो ब्रेक सेट है ना वो किसी की 10,000 रुपये चेंज हो रही है, किसी की 15,000 रुपये हो रही है, मैक्सिमम 20,000 रुपये तो हो ही जा रही है। फिर भी मैंने अपनी गाड़ी जिस तरीके से चलाई है वो मेरी 30,000 की सर्विस पे मैंने इसमें जो ब्रेक पैड्स हैं वो चेंज कराए हैं। तो ये हो गई मेरी ड्राइविंग क्वालिटी की बात। और प्लस जितने भी स्कॉर्पियो एन के जो मैनुअल वर्जन के जो ओनर हैं या एक्सयूवी 700 के अंदर भी, तो ये दिक्कतें आ रही हैं, ये जो मास्टर सिलेंडर की जो दिक्कत है ये आ रही है, और ये मेरे साथ भी आई एक्सयूवी 700 के साथ में। तो अगर आपके साथ भी किसी के साथ हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं तो चाहूँगा कि भाई ये वारंटी में क्लेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ जो भी क्लच सेट है उसकी आराम से लाइफ होती है 60-65 हज़ार, तो आराम से ही गाड़ी चलती है। मैंने तो अपनी पुरानी गाड़ियाँ जो भी मेरे पे रही हैं, मैंने कोई लगभग मेरे पे होंडा मोबिलियो थी उसकी मैंने 72,000 रुपये क्लच प्लेट चेंज कराई थी, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें। तो अगर ये दिक्कत आ रही है एक सिलेंडर की वजह से, तो सिलेंडर आपने अगर वारंटी में चेंज कर रहे हो तो फिर भाई आपका बनता है कि ये भी आपको वारंटी में ही चेंज करना चाहिए। जनरली मेरे को लगता है कि भाई ये गाड़ी के अंदर कुछ फॉल्ट है और ये फॉल्ट हुआ है सिलेंडर के अंदर, और जिसकी वजह से मैं डिमांड करता हूँ महिंद्रा से कि ये इनको वारंटी में ही चेंज करना चाहिए। मैं अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर मुझे क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो पूरी तरीके से, ये मेरा केस जो है जेन्युइन केस है, और ये जब सिलेंडर उन्होंने चेक किया था तब भी उन्होंने गाड़ी पूरी चेक की है, गाड़ी चला करके चेक की है, सारी चीज़ें देखी है कि उसमें उनका जो बंदा था जो टेस्टिंग करने के लिए आया था वो भी कह रहा था सर इसमें तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और ये आपका क्लच का इशू है, क्लच चेंज हो सकता है आपका। उसने भी मेरे को बोला था कि हालांकि, लेकिन उन्होंने क्लच चेंज नहीं किया उस टाइम पर सिर्फ मास्टर स्लेव सिलेंडर जो होता है उसका वही चेंज करके गाड़ी उन्होंने मेरे को वापस दे दी थी। तो ये तो रिकॉर्ड में है उनके, और अगर वो इसमें क्या नाम है कि फिलहाल तो अभी तक उनके एंड से मेरे को कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। गाड़ी को खड़े खड़े अभी भी 5 से 6 दिन हो चुके हैं, और कल मैंने फिर इनके जो सर्विस मैनेजर इनसे बात की थी, इन्होंने बोला कि सर मुझे आप फिर से 1-2 दिन का टाइम दो, तो अभी मैं 2 दिन बाद फिर उनसे बात करूंगा, और उसके बाद मैं आपको हो सकता है इसी वीडियो में के अंदर मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि क्या अपडेट है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये लोग अपनी गलती मानने वाले हैं, तो आप भी मुझे बताइए कि मैं आपके हिसाब से मुझे आप आगे क्या स्टेप लेना चाहिए अगर ये लोग अपनी ये गलती नहीं मानते हैं तो, और अगर मैं भी कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरी गलती है। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ वीडियो को, मैंने एक ही उसमें बना रहा हूँ इसी उसके अंदर तो, और मैंने उस टाइम पर इसका ना वीडियो शूट भी नहीं किया था क्योंकि मैं उतना ज़्यादा पैनिक हो गया था, क्योंकि गाड़ी में से धुआं निकलने लग गया था, तो आप समझ सकते हो मैं फैमिली के साथ था, तो अगर गाड़ी में से धुआं वुआ निकलता तो भाई थोड़ा सा पैनिकनेस हो जाती है। उस टाइम पर मैंने वीडियो नहीं बनाया उसका, तो मैं सीधा घर आया हूँ बहुत जल्दी से, और घर बहुत दूर रह नहीं गया था मेरा क्योंकि मैंने 30-35 किलोमीटर ड्राइव किया था बस गाड़ी, और उतने में ही ये सारी चीज़ें हो गई। और दिल्ली के ट्रैफिक में भी अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो भाई ये सीरियस इशू है गाड़ी के अंदर, तो क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी फिर तो गाड़ी का 30-35 हज़ार रुपये अगर क्लच सेट चेंज होने लगेंगे फिर तो गाड़ी बेकार है, ये गाड़ी पर्टिकुलर गाड़ी लेनी बेकार है। तो स्कॉर्पियन वाले भी कुछ कस्टमर्स हैं जिनको ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो स्कॉर्पियन के अंदर भी ये इश्यूज़ हैं, XUV 700 के भी अंदर ये इश्यूज़ हैं। अब पता नहीं इन्होंने कैसी
ये R&D की है इनके अंदर कि ये जो इश्यूज हैं इसको सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी XUV को आए हुए मेरे ख्याल में 2-2.5 साल हो चुके हैं, और अब तो इनका ये फेसलिफ्ट वर्जन पे भी काम कर रहे हैं, तो इनको इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। इस केस के अंदर जो भी अपडेट होते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। सो दोस्तों, आप देख रहे हो कि जगह भी बदल गई है, लोकेशन भी बदल गई है। तो हमने वीडियो जो लास्ट रिकॉर्ड किया वो किया था हमने 26 जनवरी को, और आज है 27 जनवरी। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो 26 तारीख की छुट्टी थी, कुछ खास अपडेट आए नहीं मुझे, और 5-7 दिनों से भी कोई खास अपडेट नहीं आ रहा था। तो मैं आज खुद चला गया था महिंद्रा पे, सुबह सुबह मतलब कोई 11-12 बजे में चला गया था। तो मेरी वहाँ पर सर्विस मैनेजर एक अरुण है, वहाँ पर अरुण से बात हुई थी। तो अभी हो क्या रहा था कि जो क्लच का जो कॉस्ट है वो है 24,454 का, जो मेरे को एस्टिमेट दिया था इन लोगों ने। वो मैं सारा डाल भी दूंगा साइड में अभी, बिल वगैरह। तो आज मेरी फाइनली मीटिंग हो गई है, कंक्लूजन भी आ गया है कि वो क्या इसमें आउटकम हो रहा है अभी। तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, और कितना अमाउंट पे करना है मुझे वो भी आगे बताता हूँ मैं आपको अभी। तो फिलहाल मैं आपको स्टोरी आगे बढ़ाता हूँ कि मेरी मीटिंग हुई आज दोबारा, आज मैं गया वहाँ पर, फाइनली मीटिंग हुई और कुछ कॉन्क्रीट निकल के भी आया। तो अभी ये हुआ है कि इन्होंने जो भी अपना आपस में डिस्कशन जो चल रहा था इनका, ये चाह रहे थे शुरू शुरू में कि भाई जो भी ये वेयर एंड टीयर वाला पार्ट होता है, क्लच प्लेट हो गया, ब्रेक पैड हो गए, तो वो हम इन पे ही कस्टमर पे ही डाल दें, और वो हम से पे मतलब मैं पे कर दूँ उनको और वो उसको चेंज कर दें। तो मैंने वो 5-6 दिन गाड़ी होल्ड करी इसी चक्कर में। तो और रीज़न वो सिंपल सा रीज़न है कि भाई नॉर्मल ड्राइविंग करते करते तो वो कुछ हुआ नहीं है, बंद बंद तो वो सिलेंडर की वजह से उसी दिन हो गया था। तो इसीलिए मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मैंने उनको अपनी तरफ से लड़ाई भी की इस बारे में। लड़ाई इन द सेंस कि मैं वोकल होकर के इस बात को उठा रहा था कि भाई ये जो चीज़ है वो आपके मेरे ड्राइविंग गलत ड्राइविंग करने से नहीं हुआ है, बल्कि ये सेम डे ही जब इशू आया था मेरा, बैटरी लटक रहा था सिलेंडर की वजह से या जिस रीज़न से भी, तो ये फॉल्ट कंपनी का फॉल्ट की वजह से मेरे को पे नहीं करना है। तो मैंने वो पे करने पे मैं तैयार नहीं था। तो उसके ऊपर वो डिस्कशन कर रहे थे, फाइनली कुछ अमाउंट उन्होंने बताया कि सर हम इसको इतना पे करेंगे और इतना आपको पे करना होगा। तो वो जो बात थी, फिर मैं आज और फाइनल मीटिंग करने के लिए गया तो वो अमाउंट उन्होंने और कम किया है फाइनली। तो मैं भी इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाह रहा था और ना मैं हो रहा हूँ। तो मैंने हालांकि मैं जो चाहता तो वो मैं पूरा भी क्लेम करा सकता हूँ, अगर मेरे को थोड़ा और टाइम उनको देना पड़ेगा, गाड़ी वहाँ खड़ी रखनी पड़ेगी और फिर थोड़ा और उनसे थोड़ी लड़ाई झगड़े मतलब लड़ाई लड़ाई इधर से और ज़्यादा बोलना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, फिर गाड़ी भी वहाँ खड़ी रहेगी। तो अभी ये हुआ है कि 24,454 का जो बिल है, जिसमें वो क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं आपको मैं यहाँ पर डाल ही दूंगा, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों अभी जो इसमें सामान जो पड़ने वाला है वो क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लेबर है इसके अंदर, क्लच प्रेशर प्लेट की 4,347, और कंसेंट्रिक स्लेव सिलेंडर इसमें चेंज हो रहा है 3,535 का। इसमें पैडल एंड बॉक्स असेंबली क्लच है 1,521 की, और इसमें कंसेंट्रिक स्लेव सिलेंडर ब्लीडर है ₹232 का, और क्लच कवर एंड डिस्क असेंबली है इसमें ₹9,253 की। ठीक है, इसमें मैक्सी केयर रस्ट क्लीन ₹96 की है, लोकल स्पेयर पार्ट कंज्यूमेबल सिंथेटिक लुब्रिकेंट स्प्रे 100 ml का जो है वो है ₹144 का। मैक्सिमाई ब्रेक फ्लूड ऑयल है, ब्रेक फ्लूड डॉट है मैक्सिमाइल का ₹173 का। ये दो क्वांटिटी हैं, 250 250 ml, तो ये पड़ेगा ₹347 का। तो टोटल जो बिल आ रहा था इनका 19,480 का, ये विदाउट GST है, सॉरी विदाउट GST है, और GST अलग है, GST लगभग पड़ेगा आपको ₹48 करीबन।
तो टोटल इसका जो बिल बन रहा है 24,454। तो उसमें क्या है कि मैं जो मेरे एंड से अब जो मुझे पे करना है वो करना है 7,416। जी हाँ, 24,454 में से अब मुझे 7,416 ही पे करने हैं, जिसमें मेरा क्लच सेट और जो सिलेंडर है शायद वो भी मास्टर स्लेव सिलेंडर जो भी होता है उसके अंदर वो भी शायद चेंज होगा, क्योंकि वो क्लच प्लेट के साथ शायद वो चेंज होता ही होता है, तो वो भी चेंज हो रहा है। तो 7,416 जो मुझे अपनी पॉकेट से पे करना है अभी वो ये है। अब अगर थोड़ा सा मैं इसमें और अभी और करूँ कुछ तो वो 7,416 भी शायद कम हो जाते, बट फिर वही है कि गाड़ी मुझे खड़ी रखनी पड़ेगी और फिर अब उतना रिजिडनेस मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा करना, और मैं 30-35 हज़ार गाड़ी चला चुका हूँ तो चलो ठीक है उतना कॉस्ट बॉन्ड करना ही भी चाहिए कि वेयर एंड टियर वाला पार्ट है। तो चलो मैं ये मानता हूँ कि 7,000 रुपये की मैंने क्लच जो है वो मतलब घिस दी होगी उसकी, 35,000 गाड़ी चल चुकी है। तो फाइनली मुझे जो पे करना है अभी मैंने उसे अप्रूवल दे दिया है कि भाई ठीक है मैं ओके हूँ 7,416 पे करने में, तो आप इस पर गो अहेड करो और जो पार्ट हमारा चेंज होना वो चेंज करो। तो होपफुली आज शाम हो चुकी है और सैटरडे का टाइम भी है, महिंद्रा पर ऑलरेडी वर्कलोड रहता है, तो वो बोल रहे हैं कि शायद कल इस काम को शुरू करेंगे और शाम तक मुझे गाड़ी डिलीवर कर देंगे। तो ये पूरा सिनेरियो अभी रहा है इसके अंदर। तो चलो फाइनली जो भी है कि भाई अब जो अमाउंट मुझे पे करना है वो कम पे करना पड़ेगा, पूरा 24,000 रुपये मेरे को पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक अच्छा आउटकम निकल के आया है। और अभी जो मेरी जो फाइनल बात हुई है ना जिस बंदे से, वो भी बड़ा जेन्युइन बात हुई हमारी, उसने कंसर्न को भी समझा मेरे, और उसके बाद में कोई SFR रिपोर्ट पता नहीं कौन सी रिपोर्ट थी वो उन्होंने निकलवाई है, उसमें देखा तो जो भी उन्होंने किया होगा अपने लेवल पे किया होगा वो उनको मालूम होगा। तो फाइनली मेरे साथ में ये है कि ये बेनिफिट मेरे को मिल रहा है और मैं इसको अब मैं ले रहा हूँ। और ये जो चीज़ें हो रही थी ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में भी हो रहा है, जनरली ये तब भी होता है जब 5D मैट्स वगैरह डालते हैं और पूरा क्लच नहीं जाता है आपका, तो भी ये दिक्कतें होती हैं गाड़ी के अंदर। बट मेरे को मालूम है भाई वो चीज़ होती है, तो मैंने वो मैट्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं गाड़ी के अंदर, तो ये मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। और जिन लोगों को भी मालूम है कि क्लच पूरा दबना चाहिए, तो मैट्स की वजह से वो ध्यान रखते हैं कि मैट अगर रोक रहा है क्लच को तो मैट वो हटा देते हैं, लेकिन ये फिर भी दिक्कतें आ रही हैं, विदाउट मैट भी ऐसी दिक्कतें आ रही थी। और मैंने देखा है कुछ एक ओनर से मेरी बात हुई है स्कॉर्पियो एन के भी और XUV700 के भी, तो ये दिक्कतें दोनों गाड़ियों में आ रही थी। तो मेरा तो ये हो गया सेटल। अगर आपके साथ में भी ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि आप इस चीज़ को लेकर के महिंद्रा में आगे जाइए और इस पॉइंट के ऊपर आप अपना रख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ में तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है। अगर किसी भी तरीके से ये वीडियो आपके लिए अगर कुछ हेल्पफुल हो सकती है तो आप इसको देखिए पूरा और अपनी बात आप महिंद्रा तक पहुँचाएँ। मैंने लोकल उसमें ही इसको सेटल कर लिया है, आपके अगर लोकल नहीं सुनते हैं तो आप इसको ट्विटर के माध्यम से आप मैनेजमेंट में भी आगे पहुंचा सकते हैं, चाहे आपको आनंद महिंद्रा को टैग करना पड़े या फिर किसी भी लेवल पे आप जा करके इसको अपने पॉइंट को उठा सकते हो। वैलिड पॉइंट है जो मेरे साथ हुआ है। तो फिलहाल अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगाओ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।